जैसे कल मैं आपको बता रहा था जनरल जनरल के बारे में, जनरल की एंट्री हम कर रहे थे, उसी में आगे चलते हुए दो ट्रांजैक्शन और आपको बता रहा हूँ जो आपकी पेपर इसमें आती हैं एंट्रीज करने में। जैसे एक आती है ट्रांजैक्शन हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, या गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मान लो उस पार्टी का नाम गोपाल है, गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, कैश लगाकर। अब जैसे इक्वेशन में भी हम इसमें इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट करेंगे, एक तो याद है इक्वेशन अकाउंट इक्वेशन के अंदर भी करते थे, एक तो कैश का अकाउंट और एक कैपिटल का अकाउंट, यानी एक तो कैश को हम प्लस करते थे, कैश में प्लस करते थे और कैपिटल में प्लस करते थे, यानी इसमें दो अकाउंट हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैश का नेचर आपका रियल का अकाउंट हो गया कि रियल अकाउंट है, कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट, कैपिटल आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, जैसे आपने लर्न कर लिया है। कैश किस में आता है, रियल में, कैपिटल किस में आता है, पर्सनल में आता है। अब इसका एक तो रियल का रूल होगा और एक किसका रूल होगा, पर्सनल का रूल होगा। अच्छा रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये आपका रूल मैंने बताया था आपको जो आपने लर्न किया वो अच्छी तरह से। और ये तो हो गया आपका कैश का, रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ऑफ कैश आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश कहाँ आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है ना, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो यानी कैश को तो हम करेंगे डेबिट, कैश को क्या करेंगे डेबिट। और ओनर दे रहा है, ओनर कौन है, गोपाल, यानी गोपाल कैपिटल गोपाल हो गया ना, ये गोपाल आपका दे रहा है, गिवर, एंड डेबिट द रिसीवर, ये इसका रूल हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर, तो गोपाल क्रेडिट हो गया, यानी गोपाल की कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, ठीक है। तो इसमें जब जनरल एंट्री बनाओगे क्या एंट्री बनेगी, कैश आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या टू गोपाल कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके भी हम एंट्री को लिख सकते हैं, यानी कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, और ओनर दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, तो गोपाल कैपिटल अकाउंट, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे क्या लगाकर, कैश लगाकर, तो एंट्री कैश कैपिटल, कैश रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीव, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश आपका आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट गोपाल दे रहा है टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री इसमें और आती है हमारे पास, जैसे कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, अगर उसने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए उसने क्या निकाला है, कैश निकाला है, तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या रहेगी। मैंने आपको कहा था जैसे पर्सनल यूज के लिए अगर वो कुछ निकाल ले तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, ठीक है, एनी कैश और गुड्स वी ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नोन एज ड्रॉइंग, और कैश कैश का अकाउंट हो गया, इसमें एक तो कैश का अकाउंट है और एक ड्रॉइंग का अकाउंट है, कैश का अकाउंट रियल, ड्रॉइंग का अकाउंट पर्सनल, यानी एक रूल तो आपका रियल का लगेगा, एक आपका पर्सनल का लगेगा, तो इसमें अब कैश आ रहा है या जा रहा है, रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश आपका जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, जब आप इक्वेशन बनाते हो कैश में से माइनस करते हो ना और कैपिटल में से भी माइनस करते हो, ठीक है, तो कैश जा रहा है, यानी क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश को तो हम करेंगे क्रेडिट क्योंकि कैश जा रहा है, और जा किसके पास रहा है, ओनर के पास, वो रिसीवर बन जाएगा, ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग इज द रिसीवर, ठीक है, तो डेबिट इसमें ट्रांजेक्शन क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, तब एंट्री ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, डेबिट के लिए किसका यूज़ करना है, डी आर का, और क्रेडिट के लिए किसका कहा था, टू का, टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी ट्रांजेक्शन आपने बनानी है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थी जो मैंने कल आपको समझाई थी, और आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता, मैंने कल भी कहा था चैप्टर आपका ये, तो कुछ ट्रांजेक्शन को अब डालना कैसे होता है, जनरल का फॉर्मेट कैसे बनेगा, अमाउंट वगैरह कैसे आपने दिखाना है उसके अंदर, ठीक है, तो वो पहले उसके फॉर्मेट की डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट बनता कैसे जनरल का।
देखिए कोई मुश्किल फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल आपका इजी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्मेट है आपका जो जर्नल का है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जर्नल जिसका भी बना रहे हैं। मान लो जर्नल आप कोई पार्टी का नाम है सियाराम, तो लिखेंगे जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। तो सबसे पहले कॉलम डेट का, डेट आती है, ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं बनाना, पर्टिकुलर ये कॉलम सबसे बड़ा बने क्योंकि इसके अंदर पूरी आपकी जर्नल एंट्री लिखी जाएगी डेबिट क्रेडिट के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा था ना। फिर कॉलम आता है एल एफ का, एल एफ लेजर फोलियो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो। इसका कुछ नहीं करना आपने, मैं आपको बताऊंगा बाद में मीनिंग क्या रहेगा, बस आप छोटा सा कॉलम इसका बना देना। फिर अमाउंट का कॉलम रहेगा, दो कॉलम, एक डेबिट का अलग क्रेडिट का अलग, ये दो कॉलम अमाउंट के रहेंगे क्योंकि अमाउंट भी अब आपको लिखना है ना इसके अंदर, तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है तो डेबिट में लिखेंगे वही हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट रहेगा जर्नल का, कॉपी में आप बना लीजिए डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, एल एफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम, ये बनेगा। ये फॉर्मेट आपका जर्नल का जो कुछ बनाओ ना, डेट, पर्टिकुलर, एल एफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, ऐसे करके ये फॉर्मेट आपका रहेगा। तो मैं अब आपको एंट्री समझाता जाऊँगा, दोबारा एक बार करेंगे स्टार्ट और इसके बाद इसको इसमें डालते जाएंगे जर्नल के अंदर, ठीक है। तो जैसे एंट्री समझाने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा पहले, जैसे मेरे पास ये एंट्री से दे रखी है, देखो ये ट्रांजेक्शन दी हुई ना, जैसे मैं अभी आपके सामने कल लिख रहा था, जैसे मान लो फर्स्ट इग्निशिएशन है आपकी बुक में भी देख लेना, चैप्टर नंबर आपका 9th है, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। जैसे पहली ट्रांजेक्शन क्या आ रही, देखो एक बार ज़रा, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पेड कैश टू सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, बोट मशीनरी फॉर कैश एंड पेड रेंट। और ये मैंने ट्रांजेक्शन कल आपको सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर दे रखी है ना, मैंने सारी आपको कराई थी। एक तो मैंने अभी कराई है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक बार फिर दोबारा समझ के चलेंगे, जितना आप समझोगे इसको उतना आपके पास आएगा चैप्टर ये वाला, ठीक है। बस आपको बस वो जो फॉर्मेट है ना वो अच्छी तरह याद करना है कि रियल में क्या है, नॉमिनल में क्या है, पर्सनल में क्या है, रूल क्या है उनके, और ये रूल भी सारे याद करने। जैसे पहली ट्रांजेक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो यहाँ लिख लेते हैं, पहली ट्रांजेक्शन दे रखी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 50,000, ठीक है। तो अब इसकी ट्रांजेक्शन में पहले तो मैंने आपको कहा था दो अकाउंट देखा करो कौन कौन से हैं, तो एक तो कैश का अकाउंट और एक कैपिटल का अकाउंट, दो अकाउंट हो गए ना। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश आपने अकाउंट इक्वेशन का चैप्टर भी किया है, कैश में प्लस करते हो कैपिटल में प्लस करते, नहीं कैश का अकाउंट एक कैपिटल का अकाउंट, तो कैश का अकाउंट कौन सा हो गया रियल, कैपिटल का अकाउंट कौन सा हो गया पर्सनल, यानी एक तो रियल का रूल होगा एक पर्सनल का रूल होगा। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो आ रहा है डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है क्रेडिट करो। तो कैश आपका आ रहा है ना, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश को तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और कैपिटल दे रहा है कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, तो कैपिटल को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अब कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यानी ये अब क्रेडिट किसके हिसाब से होगा, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हो जाएगा। अब तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी बनानी हो तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब इस एंट्री को हम ना देखो, अब जैसे ये समझ में आया, पहले तो एंट्री समझ में आया कि दो अकाउंट कैश और कैपिटल, कैश रियल कैपिटल पर्सनल, कैश का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और कैश आ रहा है ना किसके अंदर आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, यानी कैश को तुम करेंगे डेबिट, और ओनर दे रहा है, ओनर क्या हो रहा है दे रहा है, तो क्या क्रेडिट द गिवर, यानी एक रूल उसके हिसाब से एक उसके हिसाब से हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आपने डेट भी डालनी है, डेट जैसे दे रखी ना, अब जनवरी 1 को ऐसे एंट्री होती है, जैन 1 हो गया 2019, ऊपर एक बार लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब पहली लाइन आप डेबिट की डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए मैंने आपको टू का कहा था कि टू आता है,
क्रेडिट के लिए किया था। टू और टू थोड़ा सा इधर करना, इधर नहीं जाना, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आप अपनी डेबिट के सामने भी जितना अमाउंट वो डालना है 50,000 है यहाँ डालेंगे, और क्रेडिट के सामने भी आप 50,000 नीचे वाले लाइन में डालेंगे, डेबिट के सामने क्रेडिट के सामने, ठीक है। डेबिट वाला 50,000, क्रेडिट वाला भी 50,000, जो डेबिट में होगा वो क्रेडिट में होगा। और थोड़ा सा नीचे ना एक ना इसमें एक ना नरेशन लिखनी होती है, थोड़ी बतानी होती है कि हमने किसको डेबिट किया है, किसको क्रेडिट किया, थोड़ा सा लिखना है। अगर आप कंफ्यूजन होती है कि क्या लिखना है इसके अंदर, तो आप ये लाइन इसको छोटा करके लिख लीजिए, जो लाइन होती है ना ये, जैसे हियर आई एम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस इसके साथ ना केवल कुछ को लगवा देते हैं, फोर भी लगा सकते हो, फोर या बीइंग का यूज़ कर सकते हो। बीइंग थोड़ा बताना है एंट्री के बारे में, और एक ही लाइन में ख़त्म होनी चाहिए, नीचे डबल लाइन में मत करना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फिर आप लाइन लगाओगे यहाँ पे, ऐसे लाइन सिर्फ यहाँ तक लगेगी बस, इसके ज़्यादा लाइन नहीं लगानी है आपने। ये आपकी ट्रांजेक्शन ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगी। ये ऐसे 2019 जैन फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश के सामने डेबिट करेंगे, कैपिटल के सामने क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट, यानी कि बिल्कुल बराबर उसके बाद डालना, जब कैश के डेबिट 50, कैपिटल के सामने 50, और नीचे नरेशन क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो नरेशन फोर से स्टार्ट करना या बींग से स्टार्ट करना, या अभी हम तो बिना उसके भी करा देते हैं, बस इधर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। एज कैपिटल भी लिख सकते हो साथ में, कि कैपिटल के रूप में स्टार्ट किया बिजनेस हमने, ये आप लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट साथ में लगानी है आपने, यहाँ नहीं लगेगी फिर यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रही, देखो आपके सामने, परचेज गुड्स फॉर कैश और रुपीज़ है आपका 20,000, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000, हमने गुड्स परचेज खरीद गुड्स खरीदा है कैश में 20,000 का। अब इसमें दो अकाउंट बताना कौन कौन से, बताए थे कल भी आपको कहा था, परचेज गुड्स के लिए परचेज का वर्ड का यूज़ करना है, यानी परचेज है, और कैश रियल, यानी कैश रियल अकाउंट हो गया, और ये भी मैंने आपको जनरल एंट्री के लिए रियल में डलवा दिया था, यानी अब इसमें रियल का ही रूल लगेगा, रियल के हिसाब से डेबिट होगा, रियल के हिसाब से क्रेडिट होगा, परचेज का अकाउंट और कैश का अकाउंट। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब परचेज डेबिट है तो यानी कि गुड्स तो आ रहा है, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी परचेज को तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कि और कैश आपका क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कैश को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री तो क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपका हो गया 20,000, यहाँ भी हम लेंगे 20,000। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, परचेजेज लिखना, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश द्वारा, तो परचेजेज अकाउंट कैश अकाउंट वो था रियल अकाउंट, रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो गुड्स आ रहा है यानी कि परचेज आ रहा है, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी रियल का ही रूल लगेगा, दोनों रियल है ना, तो रियल का रूल तो ईजी है, डेबिट वर्ड कम्स आउट, देखो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, परचेज आ रहा है, कैश आ रहा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं एंट्री को हम। डेट आप डालेंगे जैन सेकंड, और यहाँ आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट डालेंगे 20,000 डेबिट में है, 20,000 ही आपका क्रेडिट में है, फिर नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे, थोड़ा नरेशन बताना, फोर से स्टार्ट करना, फोर यही लाइन लिख दो जो लाइन आपको दे रखी है ना, फोर गुड्स परचेज फॉर कैश, ये नरेशन होता है कि क्यों किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया गया है, तो बस नरेशन दिखानी जरूर है, बिना नरेशन के एंट्री नहीं हुआ करती, ठीक है। फिर आप लाइन लगाएंगे यहाँ पे, लाइन सिर्फ यहाँ पर्टिकुलर वाले कॉलम में लाइन हो, उसके आगे लाइन ना हो, अमाउंट वाले कॉलम की लाइन पूरी लंबी खींच देते हैं, ऐसे मत खींचना, ठीक है। जनरेटर समझ में आ गई, अब नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष वो लिखते हैं यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, हमने सुभाष से गुड्स खरीदा है। फिर दो अकाउंट बताइए कौन कौन से हैं, एक तो परचेज का, एक सुभाष का, परचेज का अकाउंट रियल, सुभाष का पर्सनल,
तो एक तो रियल का रूल और एक पर्सनल का रूल। और रियल का रूल सबसे इजी होता है निकालना। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये रूल है ना। देखो डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब क्या आ रहा है क्या जा रहा है बताओ, परचेज। अब देखो परचेज रियल, रियल का देखो याद करो, इस परचेज को क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, तो गुड्स आ रहा है परचेज आ रहा है ना, ठीक है। तो परचेज आ रहा है, परचेज को तो हम करेंगे डेबिट, तो दूसरा अकाउंट हमेशा ही क्रेडिट होगा। यानी एक अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लो, दूसरा उसका रिवर्स होना ही होना है, ठीक है। अभी क्रेडिट क्यों हुआ, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये दे रहा है कौन, दे रहा है सुभाष दे रहा है ना, तो क्रेडिट द गिवर यानी सुभाष क्रेडिट करेंगे। अब तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष के आगे अकाउंट मत लगाना, उसके पर्सनल के आगे अकाउंट नहीं लगता, ठीक है, टू सुभाष खाली यहाँ पे। तो उसके बाद नरेशन जैसे डालते हो, अमाउंट जैसे इसका दे रखा है, हमें 12,000 दिया हुआ है, यहाँ भी 12,000 आएगा, यहाँ पे डेबिट में भी 12,000 आएगा, क्रेडिट में भी कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। फिर हम इसके एंट्री को वहाँ लिख देते हैं, डेट डालेंगे जैन, और आपकी 4 है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट के लिए डी आर टू सुभाष, थोड़ा टी इधर थोड़ा इधर करना, टू सुभाष तक छोड़ देंगे, और नेशन नीचे दिखा देंगे, नेशन बताना है अपने गुड्स, 4 लिख देना साथ में, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष, बस उसी लाइन को लिख दो, थोड़ा छोटा करके लिख दो बस, और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में लगेगी नेशन, नीचे लाइन लगा देंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आपका 12,000 है डेबिट में, और 12,000 किस में रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। समझ में आ गया एंट्री, नेक्स्ट एंट्री लिखें। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये लिखते हैं यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। चलिए दो अकाउंट बताइए कौन कौन से, एक तो फर्नीचर का हो गया और एक कैश का हो गया, दोबारा बताना, फर्नीचर का और कैश का, ठीक है। तो दो अकाउंट में फर्नी परचेज को नहीं याद करना, क्योंकि फर्नीचर तो असेट्स होता है ना, गुड्स के लिए होगा तो परचेज, फर्नीचर और कैश। अच्छा फर्नीचर का कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश का भी कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, बहुत सारा रियल अकाउंट हो गया, तो रियल का ही रूल होगा। रियल का रूल बताओ क्या होता है, बताओ एक बार। अब डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो फर्नीचर तो आ रहा है, खुद सोचो ना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश क्या आ रहा है क्या जा रहा है, डेबिट किसको करना है क्रेडिट किसको करना है, तो फर्नीचर आ रहा है यानी फर्नीचर को तो हम डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है कैश को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट के लिए टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। अभी सेंट को लिखें यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं तो डेट डालेंगे जैन 5, और हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट के लिए डी आर तो टू इधर डाल देंगे, टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नेशन लिख देंगे परचेज फॉर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नरेशन आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। और अमाउंट इसका हो गया 6,000 है, तो 6,000 डेबिट में डालेंगे, और 6,000 हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में डाल देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेट डालेंगे जैन 5, डेट आपकी हो गई, ठीक है। और उसके अंदर हम एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैश अकाउंट करके हम डालेंगे इस एंट्री को यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी समझ में आ गए यहाँ तक आप सबको। अब नेक्स्ट एंट्री करें, तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश टू सुभाष, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, पेड कैश टू सुभाष। चलिए अब दो दो अकाउंट बताइए कौन कौन से हैं, कैश का और सुभाष का। कैश का कौन सा अकाउंट है, रियल, सुभाष का कौन सा है, पर्सनल, यानी एक तो रियल का रूल और एक पर्सनल का रूल, ठीक है, दो आपके रूल हो गए। रियल का रूल क्या कहता है जी बताओ, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब तो कैश, अब कैश को देखो कैश आ रहा है जा रहा है,
कैश जा रहा है, यानी कैश को तो हम करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट है ना, कैश को तो क्रेडिट करेंगे, ये तो क्रेडिट हो गया। अब सुभाष को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा तो अकाउंट डेबिट होता ही होता है। अब सुभाष डेबिट क्यों हुआ, सुभाष पर्सनल है ना, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो सुभाष रिसीवर हो गया, यानी सुभाष को तो कैश मिल रहा है ना, तो अब इसको तो डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, सुभाष डेबिट, तो सुभाष के आगे अकाउंट मत लगाना, टू कैश अकाउंट, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ लिख देते हैं एंट्री Jan 10। तो सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी नेशनल देंगे कैश, फोर लिखना, फोर कैश पेड टू सुभाष, कैश पेड टू सुभाष, अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आपका होगा 8,000, यहाँ भी आएगा 8,000, इसकी नीचे लाइन लगा देंगे, यहाँ पे लाइन यहाँ तक लगाना बस, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम में इससे ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करें, नेक्स्ट एंट्री आ रही है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा, रवि से, फॉर कैश में, तो इसमें मैंने आपको कल भी कराया था, जैसे ना अगर आप इसमें अब जैसे गुड्स खरीदा और किससे कैसे खरीदा, कैश में, तो रवि नहीं आएगा, रवि को भूल जाओ आप, रवि को नहीं देखना आपने, ध्यान रखना, ठीक है। हमारी ट्रांजेक्शन एक तो परचेज है, एक कैश है, परचेज और क्या है, कैश, परचेज कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, दोनों बहुत रियल अकाउंट, रियल का ही रूल लगेगा, तो रियल के ही रूल में पहले भी आपको बताया था डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कि जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो, तो अब इसमें परचेज आ रहा है, यानी परचेज तो आपका डेबिट होगा, गुड्स तो आ रहा है ना, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ लिख देते हैं, डेट डालेंगे Jan 16 है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आपका हो गया इसमें 7,500 हो गया, यहाँ भी 7,500 हो गया, फिर नीचे नेशन लिख देंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि एंट्री को डेबिट क्रेडिट क्यों किया, तो फोर परचेज गुड्स फोर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, फिर नीचे लाइन लगा देंगे यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, एंट्री समझ में आ गई यहाँ तक सबको, जनवरी 16 तक एंट्री होगी आपकी। नेक्स्ट एंट्री है Jan 17, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, किससे पहले मैंने कराया था ना, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सेम हो गया, दो अकाउंट बताओ कौन से, एक तो परचेज का और एक रवि का, अब तो कैश है ही नहीं ना, परचेज और रवि, परचेज का कौन सा अकाउंट है, रियल, रवि का पर्सनल, अब रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो गुड्स आपका आ रहा है, यानी परचेस आ रहा है, यानी गुड्स आ रहा है, तो एंटी परचेस को तो डेबिट करेंगे, तो डेट डालेंगे जनवरी आपकी 17 की, मैं एंटी वैसे पहले करा चुका हूँ ना, ये मैं दोबारा लिखने रहा हूँ उसको, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, टू रवि, अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आपका बनेगा 5,000, यहाँ भी आएगा 5,000, और यहाँ पे निर्देशन लिख देंगे परचेज गुड फॉर, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ऐसे करके आप उसकी दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बोट मशीनरी फॉर कैश, बोट मशीनरी फॉर कैश, जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश हुआ था, ऐसे हमने मशीनरी किसमें खरीदी है, कैश में खरीदी है, अब उसमें दो अकाउंट होता है कौन कौन से, एक तो मशीनरी का और एक कैश का, मशीनरी का रियल अकाउंट, कैश का भी रियल अकाउंट, वो था रियल अकाउंट हो गया, रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, अब बताना क्या आ रही क्या जा रही है, मशीनरी आ रही है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी मशीनरी को तो हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो ये डेबिट ये क्रेडिट, तो एंट्री कैसे बनेगी, तो Jan 20
मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी आ रही है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी इसलिए देंगे बोट फोर लिखना, फोर बोट मशीनरी फोर कैश, यहाँ लाइन लगा देंगे, अमाउंट डालेंगे, अमाउंट इसका दे रखा है 8,000, यहाँ भी हम कितना लेंगे 8,000 लेंगे, ठीक है। एंट्री समझ में आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट एंट्री आपकी दे रखी है पेड रेंट 400, तो पेड रेंट की एक बार एंट्री समझ लेंगे, कल भी आपको बताई थी, पेड रेंट ₹400। अब सर इसमें देखोगे दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक तो पेड का, पेड किस में कहा था, पेड होता है कैश में, यानी कैश का अकाउंट है इसमें, किसका अकाउंट है, कैश का, और ये रेंट का, तो रेंट का, तो अब कैश का कौन सा होता है, रेंट एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि पेड किया तो रेंट एक्सपेंसेस हो गया ना, तो एक तो आपका कैश का अकाउंट, एक एक्सपेंसेस का अकाउंट, कैश का कौन सा अकाउंट है रियल, और एक्सपेंसेस का कौन सा है नॉमिनल, यानी एक तो रियल का रूल लगेगा और एक आपका नॉमिनल का रूल लगेगा। फिर रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब कैश आ रहा है या जा रहा है, तो कैश तो जा रहा है ना, यानी कैश को तो हम करेंगे क्रेडिट, कैश को क्या करेंगे क्रेडिट, टू कैश होगा, कैश जा रहा है, और रेंट एक्सपेंसेस है, तो उसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये रूल है ना, तो रेंट आपका एक्सपेंसेस होगा, रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट को क्या करेंगे डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी इसकी जब बनाओगे ना, तो Jan 27 है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन क्या डालेंगे पेड रेंट, और आपका अमाउंट आएगा इसमें 400, यहाँ भी क्या आएगा 400, एक बार दोबारा देख दें, पेड रेंट, पेड रेंट मतलब पहले पेड किस में करा, कैश में पेड किया होगा ना, एक तो कैश का अकाउंट और एक रेंट का अकाउंट, रेंट आपका नॉमिनल हो गया एक्सपेंसेस है, पेड आपका कैश के कौन सा हो गया रियल हो गया, तो यानी एक तो रियल का रूल होगा, रियल का रूल क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब रियल के रूल को पहले ढूंढा करो, रियल कौन सा अकाउंट है, उसका रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, दूसरा तो अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा, जैसे अब देखो अब कैश रियल है, अब कैश को बताओ पहले कैश आ रहा है या जा रहा है, तो जा रहा है, यानी कैश को तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोस आउट हो गया, तो रेंट अपने आप डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, ये अब आप नीचे ना टोटल करना होता है, क्या करना होता है टोटल, तो टोटल में क्या करना, जैसे सारी एंट्री डेबिट का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा क्रेडिट, देखो जो डेबिट में किया वो मैंने क्रेडिट में किया, किया है ना, ठीक है, बिल्कुल सामने सामने मत लिख देना, जिससे एंट्री के सामने होना चाहिए, फिर आप क्या करना नीचे टोटल लगाना है इसका, तो टोटल आपको पता इक्वल आएगा, तो टोटल आपका बनेगा 116900, 116900, ये आपका आ जाएगा टोटल, क्या आएगा टोटल, ऐसे करके टोटल आपका बन जाएगा। हाँ जी समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने आपको आज कराया ना ये क्वेश्चन, आप भी ऐसे करना, बिल्कुल रूल के हिसाब से आप करना, जैसे रूल बनता है ना वैसे आप उसको कर लेना क्वेश्चन को, और अच्छी तरह करके देखना, मेरे पास आपने इसको भेजना भी है वापस करके करके, एक बार सर मैं चेक भी कर लूँगा कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई मिस्टेक होगी बता दूंगा, साथ साथ पता लग जाता है ना कि हाँ वाकई आपकी एंट्री, बस ये ऐसे ऐसे जनरल बनाना होता है, देखो पूरा जनरल ऐसे बनता है, ये आपका पूरा जनरल का क्वेश्चन है, जनरल ऑफ सी, आराम से बस फॉर्मेट आप पूरा ध्यान रखना, फॉर्मेट में एंट्री चाहिए, ये जो काम ये जो करना है, एक दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन में दिक्कत आती है थोड़ा सा अकाउंट को देखना, पहली बात तो अच्छी तरह लर्न करो याद करो, फिर आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो आप सीधा एंट्री लिख दोगे, जैसे पूछूंगा ना मैं आपसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वैसे मन में सोच के कैश का अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज गुड्स फॉर कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ऐसे करके आपने उसको बताना है, ठीक है, तो ये आप आज कर लेना, आज मैं अभी उसका थ्योरी वाला टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह कह रहा हूँ कि ये टॉपिक अच्छी तरह करो जनरल का, साथ साथ वो मैं कराता रहूँगा, कल कराऊँगा थोड़ा सा उसके बारे में, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, सिर्फ थोड़ा टाइम लग रहा है बताने में, क्योंकि हम दोनों अकाउंट को चेक कर रहे हैं, जैसे पेड कैश टू सुभाष, कैश का सुभाष का, आपने भी जो स्टार्टिंग में आता है ना, तो थोड़ा चेक
ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिर प्रैक्टिस हो जाती है इसकी। फिर आपको ये याद भी करने की जरूरत भी पड़ेगी, कौन सा अकाउंट आपको एंट्री ही याद हो जाएगी। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश है, हाँ जी, दो अकाउंट परचेज का, कैश का, रियल अकाउंट, डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मन में इतना सब कुछ सोच के एंट्री सीधा बनाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज किया सुभाष से, परचेज का सुभाष का, परचेज आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, बोर्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ऐसे कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। तो ये पूरा अच्छी तरह टॉपिक को समझना करना है, ठीक है आप सबने।